हे गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट कृष्ण शर्मा और आज की इस फोटोशॉप क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की हमारे फोटोशॉप क्लास पे हम नॉर्मल जो टॉपिक है ब्लर, जहां पर हम एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड चेंज करेंगे और ब्लर इमेज क्रिएट करेंगे। तो गाइस, यहां पर टॉपिक का मेन मोटिव यही है कि आप फोटोशॉप पे गॉसियन ब्लर का यूज़ करके इमेज को कैसे अपना इमेज को ब्लर परफेक्टली कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंदर हम सारा प्रोसेस सीखेंगे। वेलकम बैक गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आप उसे दबाओ और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाओ, जिससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उसे इजीली देख के हमारा जो वीडियो है उसे आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अभी का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने दो स्ट्रोक रखा है। एक तो मेरा मॉडल इमेज है, तो इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा, आपको अपना मॉडल इमेज यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा एक बैकग्राउंड है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, अभी सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली ये दोनों स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है और इसे फोटोशॉप पर उठाकर इंपोर्ट कर लेना है। तो हमारा जो इमेज है दोनों वो खुल जाएगा फोटोशॉप पर। तो गाइस, ये हमारा जो इमेज है, यहाँ पर हम पूरा बेसिक सा प्रोसेस करेंगे। तो गाइस, अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ और यहाँ से कैमरा और फिल्टर पे इसे ओपन करता हूँ। तो हमारा जो इमेज है वो कैमरा और फिल्टर पे ओपन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो क्लियरिटी है मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके शेडो को थोड़ा सा हाई करूँगा और हमें जो ब्लैक है ब्लैक को थोड़ा सा डाउन पे लाऊंगा, ठीक है। ये करने के बाद गाइस, हमें सिंपली अभी क्या करना है, ओके कर देना है। तो हमारा जो इमेज है वो कैमरा और फिल्टर से अब हमारा जो नॉर्मल इमेज है उस पर आ जाएगा। तो आने के बाद गाइस, सिंपली हमें क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस करना है, एक डुप्लीकेट लेयर हमेशा बनाना है और इसे क्या होगा, हमारे पास एक बैकअप रहेगा। तो गाइस, अभी इतना होने के बाद गाइस, अभी सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप पेन टूल का मदद से भी इमेज को काट सकते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप काट सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं क्विक सिलेक्शन टूल का मदद लूँगा। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपना ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और ब्रैकेट किससे बड़ा करना है और इसे हम डायरेक्ट करके ऐसे करके सिलेक्शन पूरा को बना लेंगे इसका। देखिए ऐसे करके खाली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये इसको घुमाना है और ये ऑटोमेटिकली अपना सिलेक्शन बना देगा। तो ऐसे करके हमें घुमा के पूरा इसका अपना सिलेक्शन को कंप्लीट करना है। ओके, तो आप पहला जब रफ सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फोटो को जूम करके आपको देखना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट है कि नहीं है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं फोटो को जूम कर दिया, यहाँ पे देखिए हमारा ये पार्ट छूटा हुआ है, यहाँ पर हम सिलेक्शन बना लेंगे जल्दी से। ओके, तो ये होने के बाद गाइस, अभी यहाँ पर भी हमारा छूट गया है। तो ऐसे करके पूरा जो इमेज है उसको पूरा पूरी सिलेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ अपना सिलेक्शन जो मैंने किया है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है ये वाला पार्ट, तो हम इसे भी कवर कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमारा छूट रहा है नेक पर। ओके, तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर कुछ बेसिक से सिलेक्शन बना लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसे मास में कन्वर्ट करना है। तो हमारा मास भी कन्वर्ट हो गया। अभी इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मास्क है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिफाइन मास्क में चले जाएंगे। तो रिफाइन मास्क में जाके कुछ हमें बेसिक से एडजस्टमेंट करने चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा इमेज जो है वो रिफाइन मास्क में ओपन हो गया। यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट रेडियस जो है सिर्फ इस पर क्लिक करके थोड़ा सा रेडियस को ले लेते हैं और स्मूथिंग कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस, सिंपली आपको क्या करना है, ओके प्रेस, ओके बार हिट करना है। तो हिट कर देते हैं ओके बार। तो हमारा जो स्मूथिंग पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया है और यहाँ पे हम हेयर पे कुछ बेसिक से एडजस्टमेंट करेंगे जो आगे के प्रोसेस पे करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करते हैं। ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करना है हमें आज के पूरे एडिटिंग में। तो गाइस, इसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अभी क्या करना है, अभी सिंपली यहाँ से हमें इसे उठाना है और यहाँ पे लाके रखना है और कंट्रोल जीरो प्रेस कर लेता हूँ मैं अभी और इसे उठाकर नीचे कर लूँगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये जो बैकग्राउंड है वो परफेक्टली ठीक ठाक लग रहा है। बट अभी क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, जैसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये परफेक्ट अब लग रहा है। तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, सिंपली अभी क्या करना है, यहाँ फिल्टर पर आना है और ब्लर पे आना है और यहाँ से हमें गॉसियन ब्लर लेना है। और गॉसियन ब्लर का यहाँ पे मैं 19.6 हमारा रेडियस रहेगा, पिक्सल पे है ये, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, 15.5 पे रखते हैं, ठीक है।
ये परफेक्ट लग रहा है। अगर ज़्यादा ब्लर करिएगा तो ये ज़्यादा ब्लर करने से इमेज अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लर नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे 15.5 ही रखूँगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो गाइस हमारा ब्लर अप्लाई हो गया इमेज पे। अभी हमें क्या करना है, अपने हेयर पे थोड़ा सा एडिटिंग करना है। जैसे यहाँ पर हमारा हेयर है, उसको क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई मास्क कर देते हैं। अप्लाई मास्क करने के बाद गाइस आप यहाँ से एक बार कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट रख सकते हैं अपनी इमेज का, और उसके बाद ये जो हमारा नीचे का लेयर, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। अभी क्या करना है, सिंपली गाइस आपका यहाँ से स्मॉल टूल लेना है, और आपका जो हेयर ब्रश है ये वाला 172, तो ये वाला आप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप ब्रश को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली अभी मैं ये ब्रश के मदद से पूरा जो हेयर है उसे थोड़ा सा और साइड का पार्ट को, तो गाइस ये पार्ट जो है हमारा हेयर का, ये मैंडेटरी नहीं है, आपको आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ये करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करें। मैं बट यहाँ पर हेयर को थोड़ा सा बनाना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ हेयर को। ओके तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर बेसिक सा हेयर पे एडजस्टमेंट करा है, जो कि पूरा पूरी कम्प्लीट हेयर को अच्छा बना रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप हेयर के साथ ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑयल पेंट है तो, बट मेरे पास है बट मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो गाइस इतना प्रोसेस होने के बाद गाइस अभी हमें क्या करना है, सिंपली अपना स्मॉल टूल लेना है और फेस स्मूथिंग ब्रश जो है हमारा उसे लेना है, ये वाला 104। तो ये लेने के बाद गाइस सिंपली आपको क्या करना है, अपने फोटो पे जूम आना है, और यहाँ से आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे एक क्लिक करना है, तो होने क्लिक करने के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली अपना ब्रश को पेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसका स्ट्रेन जो है वो मैं रख दूँगा 20 के आसपास, तो 20 ही रखता हूँ, और सिंपली क्या करता हूँ पेंट कर देता हूँ ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फेस का पार्ट है वो स्मूथ हो जाएगा, जैसे ये जल्दी जल्दी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, और आप इसे बहुत ध्यान से करें। ओके तो गाइस हमारा फेस स्मूथ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, तो अभी कंट्रोल डी से हम इसे डिसलेक्ट कर देते हैं। तो गाइस इतना होने के बाद गाइस अभी हमें अपने इमेज पे एडजस्टमेंट करना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इमेज हमारा ओवर लाइटेड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम सिचुएशन में चले जाएंगे। सिचुएशन में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अपना जो लाइटनेस है उसे सीधा डाउन करना है। ठीक है, लाइटनेस को हमने डाउन किया है और इसे हम क्रिएट मास्क में कन्वर्ट करेंगे। देखिए गाइस अभी हमारा जो इमेज है वो एक्सपोज पे बहुत कम हो गया, तो गाइस सिंपली थोड़ा सा यहाँ से हम इसे बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, अपना ब्रश टूल लेना है और आपको पेंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, ऑपेसिटी भी 100 ही रखूँगा, और यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, एक साइड से हम पेंट करेंगे इसे, जैसे अभी कर रहा हूँ, ये देखिए। ओके तो गाइस अभी हमने पेंट किया है, देखिए यहाँ पर हमारा जो एडजस्टमेंट है आप इसे देख सकते हैं कि हमने क्या एडजस्टमेंट करा है। तो बट अभी हमारा जो सेंटर बॉडी का सेंटर पार्ट है वहाँ पे हमें डार्कनेस चाहिए, जैसे इस पार्ट पे मैं थोड़ा सा डार्कनेस रखूँगा, यहाँ से मैं एडजस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका जो लाइटनेस है उसे और थोड़ा कम करूँगा। ठीक है, ओके परफेक्ट, अभी परफेक्ट लग रहा है। अभी हमें क्या करना गाइस, यहाँ पे सिंपली अभी यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमें जाना है अपने कलर बैलेंस पे। कलर बैलेंस पे जाने के बाद गाइस अपना इमेज को थोड़ा सा येलो स्टोन देना है। येलो स्टोन देने के बाद गाइस थोड़ा सा हम रेड टाइप की सिंक करेंगे, थोड़ा सा हम ब्लू टाइप की जाते हैं। ओके परफेक्ट, अभी देखिए हमारा जो इमेज का जो कलर टोन है वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है, बट अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे ओके पर हिट करता हूँ, तो हमारा एक नया लेयर बन गया। अभी क्या करना है, शिफ्ट F5 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे मैं 50% ग्रे रखता हूँ, ओके करता हूँ। तो गाइस ये करने के बाद गाइस आप इसे ओवरले मोड पे रखें, तो मैं यहाँ पे ओवरले मोड पे रखता हूँ, और यहाँ से सिंपली डस्ट टूल लूँगा, और इसका जो एक्सपोजर है 100 है, और ये हाईलाइट भी है। ठीक है, और हाईलाइट पे होने का गाइस आपको सिंपली थोड़ा जूम करना है अपने इमेज को, और थोड़ा सा हम पेंट करेंगे अपने इमेज पे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, देखो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ हम साइड से पेंट कर लेंगे, जैसे अभी कर रहा हूँ। इसे आप बड़ा ध्यान से करें, थोड़ा ध्यान से करने से इस पर और अच्छा सा टेक्सचर और इमेज पे गेटअप आएगा, तो आप इसे ध्यान से करें। ओके तो गाइस हमारा जो यहाँ पर लाइटिंग पार्ट था वो भी कंप्लीट है, बट
अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो इमेज है वाइट टोन पर आ रहा है, मतलब कि जो हमने लाइट क्रिएट कर रहे थे। यहाँ से हमें सिंपली क्या करना है, अपना ऑपेसिटी को डाउन करना है थोड़ा सा। जैसे अभी देखिए अभी ये परफेक्ट लग रहा है, अभी ये परफेक्ट हमारा लाइट क्रिएट हो गया है, बट अभी भी यहाँ पर हमें करना क्या है, तो अपना ब्रश को बड़ा करना है और यहाँ से एक्सपोजर को डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद गाइस अभी सिंपली यहाँ से हम थोड़ा सा पेंट करेंगे, जैसे ऐसे हम इसे पेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये देखिए पूरा पूरी जो लाइट क्रिएटिंग पार्ट था वो हमने क्रिएट कर दिया है। ये बहुत ही अब इंटरेस्टिंग इमेज हमारा लगने लगा है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा इमेज जो है वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब ओवर एक्सपोज हो रहा है, उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे ब्राइटनेस पर और यहाँ से हम ब्राइटनेस को डाउन करेंगे थोड़ा सा और यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। मैं +13 यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को ले जाता हूँ, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके तो गाइस देखिए हमारा जो इमेज है वो बैकग्राउंड के हिसाब से परफेक्टली अब मैच हो रहा है, बट अभी यहाँ पे हमें करना के सबसे ऊपर आना है और यहाँ से हम फोटो फिल्टर यूज़ करेंगे, सिंपली फोटो फिल्टर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेज को येलो टोन पे ही रखेंगे। तो मैं यहाँ से येलो रखता हूँ और हमारा जो इमेज है वो वार्म टोन पे आ जाएगा। देखिए तो गाइस यहाँ से हमारा इमेज जो है वार्म टोन पे आ गया है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल्ट और ई प्रेस करके एक मास्क कंबाइंड लेयर पे इसे बना लेना है। ये होने के बाद गाइस अभी हमें क्या करना है, सिंपली फिल्टर पे आना है और यहाँ से कैमरा फिल्टर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मैं क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ अपने इमेज पे, ठीक है। और यहाँ से मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करूँगा और इसे थोड़ा सा हम येलो टोन पे ले जाते हैं और टेम्परेचर को भी थोड़ा सा हम यहाँ से डाउन करते हैं और थोड़ा सा हम एफएक्स डाल देंगे इमेज पे। ओके तो गाइस परफेक्ट हमारा जो इमेज का ये पार्ट कंप्लीट है। तो सिंपली अभी हम ओके डाल के अपना जो इमेज है उसे खोल लेंगे अपने फोटोशॉप पर। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा जो पूरा पूरी ओवरऑल प्रोसेस था वो डन है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग है, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं।